तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कंप्यूटर नेटवर्क के सब्जेक्ट की तैयारी किस तरीके से 20 दिनों के अंदर करेंगे, क्या हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरीके से हम उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है उसकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। और आपको पता है कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सीरीज अपलोड हो चुके हैं। आप लोग एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट की रिगार्डिंग प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड कराया है। साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने नोट्स का रिव्यू भी दिखाया है आपको, और बहुत सारे स्टूडेंट अगर नोट्स को एक्सेस किया है तो वो उनका फायदा भी उठा रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि हाँ, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सेस करना चाहिए तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करके जो भी नोट्स वगैरह है आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क किस तरीके से हम 20 दिनों के अंदर तैयारी करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क का पेपर कब है, 18 तारीख को है, यानी 18 जून को आपका कंप्यूटर नेटवर्क का पेपर है। पहला पेपर आपका मशीन लर्निंग का 13 जून को है। 13 जून के रिगार्डिंग जो भी प्रिपरेशन स्टडीज था मैंने उसको ऑलरेडी बता रखा है। अब अगला पेपर कंप्यूटर नेटवर्क का है आपका, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं जो कि 18 तारीख को होना है। और लगभग मैंने माना है कि 20 दिन का समय आज से आपके पास बच रहा है। ओके, तो आपको बताया कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपको कितने यूनिट पढ़ने हैं, 5 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट नंबर वन के अंदर बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क किस तरीके से वर्क करता है, उसमें स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, साथ ही साथ हब क्या होता है। ये छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जिनका जानना जरूरी है। और उसी में इंपॉर्टेंट आपका आता है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और साथ ही साथ कंप्यूटर जो नेटवर्क होता है उनका टाइप, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, और उसमें आपका पीयर टू पीयर आपका होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, और जो आपका ओएसआई रेफरेंस मॉडल होता है, ये सारे मॉडल्स यूनिट नंबर वन के रिगार्डिंग है। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कीजिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क के रिगार्डिंग सारी चीजों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो यूनिट नंबर वन में मैं मान के चलता हूँ कि आपको क्या करना है, और आपको डेली बेसिस पर पढ़ाई करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप डेली बेसिस पर पढ़ाई कर रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग मैं इन चीजों को बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि यूनिट नंबर वन को कंप्लीट करने में अगर मैक्सिमम भी ज्यादा दिन लगता है, तो आप मान लीजिए कि अगर आपके पास नोट्स है तो 2 दिनों के अंदर आप कंप्यूटर नेटवर्क के सारे कंसेप्ट को इजिली क्लियर कर सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन आपके अंदर है, कुछ सीखने की कुछ करने की अगर आपके अंदर वो चाह है, तो आप इसको 2 दिनों के अंदर बिल्कुल बेहतर तरीके से इजिली कन्वर्ट, इजिली क्या कर सकते हैं, आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, और अपने शेड्यूल को आप बनाइए अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, अपने समय के अनुसार अपने टाइम को थोड़ा सा आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि हाँ, इस समय पे आपको इस तरीके की चीजें करनी है, पढ़ना है, या फिर जो भी चीजें करनी है। ओके, अगला आपका यूनिट नंबर सेकंड है। यूनिट नंबर सेकंड में आपको कितना समय देना है, यूनिट नंबर सेकंड में अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास खूब कम समय भी अगर लगता है, तो मान लीजिए कि यूनिट नंबर सेकंड के लिए भी आपने क्या दिया, मान लीजिए यूनिट नंबर थर्ड में आपने क्या दिया, यूनिट नंबर सेकंड में आपका आपने 3 दिनों का समय दे दिया। ठीक है, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। इसी तरीके से अब ऐसा नहीं करना आपको कि आपने अगर यूनिट नंबर वन कंप्लीट कर लिया, यूनिट नंबर सेकंड आपने आपने यूनिट नंबर सेकंड में स्विच किया, तो आपको ऐसा नहीं करना कि आपको यूनिट नंबर सेकंड ही देखना है। पुराना जो कंसेप्ट है यूनिट नंबर वन का, वो भी साथ ही साथ आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे, तब तक चीजें क्लियर नहीं रहेंगी, माइंड में आपके फिट नहीं रहेगा चीजें। और आपको पता है कि जब तक आप चीजों को सीखेंगे नहीं, जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए कहीं ना कहीं वो एक दिक्कत परेशानी आपके लिए खड़ी कर सकती है। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पर्सन है, वो जब तक रिवीजन नहीं करेगा अपने पैटर्न के हिसाब से, तब तक उसके लिए दिक्कत परेशानियां आएंगी। ओके, तो मैं मान के चलूंगा कि जो भी आप अगर आगे का चीजें कर रहे हैं, तो पीछे की भी चीजें थोड़ी थोड़ी लेके चले, ताकि जो आपका माइंड पे प्रेशर है वो कम होता चले। तो मान लीजिए कि यूनिट नंबर थर्ड को कंप्लीट करने में मान लीजिए मैंने कि 3 दिनों का समय आपने ले लिया, तो 3 और 3 6 और 2 कितने हो गए आपके, 8 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से यूनिट नंबर 4 में भी आपको 3 दिनों का समय देना है, क्योंकि यूनिट नंबर हमने 1 में 2 दिनों का समय इसलिए दिया क्योंकि यूनिट नंबर 1 काफी आसान है, और आपने पिछले अपने सेमेस्टर के अंदर इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को आपने पढ़ा होगा, तो कोई दिक्कत परेशानी ज्यादा होगी नहीं। तो यूनिट नंबर 4 के लिए भी हमने 3 दिनों का समय दिया, और यूनिट नंबर 5 के लिए भी हम लोगों ने 3 दिनों का समय दे दिया। तो यहाँ से जोड़ लीजिए कितना समय हुआ आपका, 3 और 3 6 3 9 3 12 और 2 15 12 2 14 हो गए 14 डेज आपने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। और इस 14 डेज के अंदर आपको क्या करना है, आपने जैसे 14 डेज कंप्लीट किया, तो 15 डेज के अंदर जैसे 15 डेज आपका आता है, 15 डेज तक पहुंचते आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, पूरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, हर एक एक पॉइंट एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और रिविजन करते रहना है। और बाकी के जो 5 दिनों का समय बचता है, उसमें आपको क्या करना है, जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाया है, उस शॉर्ट नोट्स को रिविजन करना है, उसका रिवाइज करना है, और जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उन 5 दिनों के अंदर आपको इन सारे टर्म्स को करने की जरूरत है।
क्लियर। तो आप जो भी नोट्स बना रहे हैं उनका शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि आपके लिए आसानी होगी। और आपके पास अगर कम समय में है तो आपको आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हमारे नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं अपने चैनल पे। और अगर आपको चाहिए तो आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और ऑल ओवर अगर मैं बता दूं तो सारी चीजें रिविजन पर ही डिपेंड करती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट नोट्स का रिव्यू, सारी चीजें हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सारी चीजों को आप देख के कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।